को प्रणाम। आज से तीन कटपिस से आपकी बात शुरू करता हूँ। ठीक है। एक प्रेमी ने प्रेमिका से प्रेम प्रदर्शित करते हुए गर्मी के दिनों में ठंडी ठंडी आहें भरते हुए कहा, जानम अपना चंद्रमुखी मुखड़ा मेरी ओर तो करो, जरा अपना ध्यान मेरी तरफ तो धरो। प्रेमिका ने सकुचाते हुए थोड़ा सा शर्माते हुए पूछा, क्यों? प्रेमी बोला, तेरे हुस्न का खुमार ही कुछ ऐसा है कि मैं बिना पिए ही नशे में झूम सकता हूँ, और मुझे तो रूस और अमेरिका वालों को बताना है कि मैं बिना दौलत के भी चांद को चूम सकता हूँ। दो सहेलियां आपस में कर रही थी अटखेलियां। अच्छा। दो सहेलियां आपस में कर रही थी अटखेलियां, तभी एक बोली जो बड़ी थी भोली, उसने कहा, देख मैं ऐसे लड़के से बिल्कुल भी शादी नहीं रचाऊंगी जो रात में खराटे भरता हो, भले करोड़ों का व्यापार करता हो। तभी दूसरी वाली चुपचाप सोचती रही, उसने कहा, बोले माना कि रात में खराटे भरने वाले लड़के के साथ तू शादी नहीं रचाएगी, लेकिन पगली एक साल तक तो तुझे खराटे की आवाज ही नहीं आएगी। भाई बड़ा बारीक मामला है। एक व्यक्ति लाइब्रेरी में आया। हाँ। लाइब्रेरियन से धीरे से फरमाया, कोई आसान आत्महत्या करने वाली पुस्तक दीजिए। अच्छा। कृपया मेरी मदद कीजिए। अच्छा। ये सुनते ही लाइब्रेरियन ने पहले तो उसे घूरा, फिर कहा, मेरी क्षमता का निवारण कर तू पूरा, मुझे पता नहीं तू मर के स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा, परंतु ये बता किताब लौटाने का तेरा काका जी आएगा। आत्महत्या करके किताब कौन लौटाएगा? वाह वाह, बहुत बढ़िया सौरभ। एक आदमी पूर्ण व्यवस्थित हुआ, यानी मर के यमराज जी के सामने उपस्थित हुआ। यमराज जी ने पहले तो देखा उसका हिसाब, फिर देखी नियम की किताब, फिर उससे कहा, अगर तुझे स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग में भी नरक का आनंद लेना होगा, और धरती पे तूने जिसके साथ साथ फेरे लिए उसी के साथ रहना होगा। अच्छा। तभी आदमी बोला, आपका बड़ा अजीब है कायदा, अगर यहाँ पे भी उसके साथ रहना है तो मरने का क्या फायदा। वाह भाई वाह, कि इस महफिल में भी नशीली शायरी और रोमांटिक शायरी और बारिशों से भीगी हुई शायरी की जाए। जी। मंजिलों का कौन जाने, रह गुजर अच्छी नहीं। आहा। उसकी आंखें खूबसूरत है, नजर अच्छी नहीं। आए हाए, आए हाए, वाह, मुंबई, बहुत शुक्रिया शैलेश भाई, बहुत शुक्रिया। मंजिलों का कौन जाने, रह गुजर अच्छी नहीं। उसकी आंखें खूबसूरत है, उसकी आंखें खूबसूरत है, नजर अच्छी नहीं। अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी मेरी। आए, आए, वाह, वाह। फिर आंखों पर शेर सुनाता हूँ, वाह भाई वाह के तमाम दर्शकों को सुनिएगा, कि दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या? आए, आए। बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी। बेनतीजा, बेनतीजा का मतलब खुद समझते हैं लोग, दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या? बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या? मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या? मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या? मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं। क्या बात है, वाह। मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं, वाह वाह, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं थी। शाम की रंगीनियां और शब सुहानी याद है, शाम की रंगीनियां और शब सुहानी याद है, सब हकीकत भूल बैठा एक कहानी याद है, आंसुओं से मैं बनाता हूँ तेरी तस्वीर, अब मेरी आंखों को तेरा चेहरा जबानी याद है। आंसुओं से मैं बनाता हूँ तेरी तस्वीर, आंखों को तेरा चेहरा जबानी याद है। भाई वाह वाह वाह। शाम की रंगीनियां और शब सुहानी याद है, सब रात सब हकीकत भूल बैठा एक कहानी याद है, आंसुओं से मैं बनाता हूँ तेरी तस्वीर, अब मेरी आंखों को तेरा चेहरा जबानी याद है। आप शायर हैं तो फिर इल्हाम होना चाहिए, इल्हाम आमद, अभी आमद, आपने इस्तेमाल किया जिस लफ्ज का, जो ऊपर से खुदा, आप शायर हैं तो फिर इल्हाम होना चाहिए, हाँ मगर लहजे पे थोड़ा काम होना चाहिए, और जिंदगी में कामयाबी का नशा अपनी जगह, आदमी को इश्क में नाकाम होना चाहिए, जिंदगी में कामयाबी का नशा अपनी जगह। इश्क ही इश्क हूँ, वहशत है घराना मेरा, इश्क ही इश्क हूँ, वहशत है घराना मेरा, एक जमाने से है सहरा में ठिकाना मेरा, लड़कियाँ थीं कि मेरे नाम पे लड़ पड़ती थी, तुमने देखा नहीं कॉलेज का जमाना मेरा।
शैलेश भाई आपकी इजाजत हो तो एक खूबसूरत नज़्म पेश करता हूँ यहाँ महबूबा के नाम कि तू अपनी चिट्ठियों में मीर के अशार लिखती है, मोहब्बत के बिना है जिंदगी बेकार लिखती है, तेरे खत्तो इबारत हैं वफादारी की कस्मों से, जिन्हें मैं पढ़ते डरता हूँ वही हर बार लिखती है, तेरे खत्तो इबारत है वफादारी की कस्मों से, जिन्हें मैं पढ़ते डरता हूँ वही हर बार लिखती है, तू पैरोकार लैला की है शीरें की पुजारन है, मगर तू जिस पे बैठी है वो सोने का सिंहासन है, तेरी पलकों के मस्कारे तेरे होठों की ये लाली, ये तेरे रेशमी कपड़े ये तेरे कान की बाली, गले का ये चमकता हार हाथों के तेरे कंगन, ये सब के सब है मेरे दिल मेरे एहसास के दुश्मन, इनके सामने कुछ भी नहीं है प्यार की कीमत, वफा का मोल क्या क्या है एतबार की कीमत, शिकस्ता कश्तियों टूटी हुई पतवार की कीमत है मेरी जीत से बढ़कर तो तेरी हार की कीमत है। है। हकीकत हकीकत खून के आंसू तुझे रुलवाएगी जाना, तू अपने फैसले पर बाद में पछताएगी जाना, मेरे कंधे पे छोटे भाइयों की जिम्मेदारी है, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं बहन भी तो कंवारी है, बढ़े ना मौसमों के वार को तू सह ना पाएगी, हवेली छोड़कर एक झोंपड़े में रह ना पाएगी, अमीरी अमीरी तेरी मेरी मुफलिसी को छल नहीं सकती, तू नंगे पाँव तो कालीन पर भी चल नहीं सकती। मैं कहना चाहूंगा यह है शब्द की ताकत या अल्फाज की ताकत, जिस ढंग से आप कहते हैं मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ वाह भाई वाह क्या बात है। अबरार काशिफ मुझे बड़े प्रिय हैं और जब मुझे प्रिय है तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर सारे हिंदुस्तान को प्रिय, इनकी नज़में और गज़लें सुन के मैं बड़ा मुतासर होता हूँ। दोस्तों